इसको खाएगा कौन? ये बर्गर बना दिए लेकिन ये बनाए इनके लिए स्पेशल खान बाबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज का जो व्लॉग है वो हमारा एक यूनिक व्लॉग है क्योंकि एक और स्पॉट हमने ढूंढ लिया रमजान में। तो मानना कि इनके पास पिछड़ा का सबसे बेस्ट बर्गर है, तो टेस्ट करके पता चलेगा सच बोल रहे कैसे पता चलता। तो चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी फ्रेश जिंगर जो है वो तैयार हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर फ्राई होके ये जो फ्रेश जिंगर है वो बाहर आ चुके। और इसके अलावा फिर ये सामने जाते हैं वहाँ पे जो मेकिंग प्रोसेस है वो वहाँ पे होता है, तो दिखाते हैं आपको कि क्या क्या अभी रेडी होने वाला है। यहाँ पर अभी ये भाईजान जो है तो ये पराठा रोल तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो है जिंगर बर्गर जो है, ये जिंगर पहले से रेडी है, इसको आधे से काटेंगे। कितने पीसेस करेंगे इसके? ये फुल जिंगर है, फुल जिंगर पीस है और इसके 5 पीसेस होंगे और ये 500 पीसेस फिर ये पराठे में एड होंगे। अभी आएगा रैपिंग का काम, सबसे पहले उसके ऊपर मायनीज डालेंगे। ठीक है, अच्छी खासी मायनीज डाल दी भाई। अभी जिसको स्पाइसी खाया था बहुत स्पाइस डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, वो बंदे पे डिपेंड करता है। उसके बाद सैलेड आ गया और सैलेड के बाद फिर मायनीज आएगी, इसको मिक्स करेंगे सर। अच्छा, और अब बारी है सिंगर की। ये कौन सी आपके पास सॉस है? गार्लिक, गार्लिक मायो। और ये कौन सी मायो? मायो सिग्नेचर सॉस। ये आप कब तक बनाए हुए? अच्छा, और वो कंपनी वाला था गार्लिक मायो। ठीक हो गया, बस तैयार हो चुके, अभी रैप करेंगे इसको। ठीक हो उसकी प्राइस क्या है? 350 इसकी प्राइस है। यहाँ पर ये बनाएंगे शॉर्मा प्लेटर। ठीक है, इसमें तीन ब्रेड है। दो ब्रेड आपकी थी? अच्छा, मार ली, तीन हो गए। वाह यार, स्वाद है। अच्छा, तीन ब्रेड हो गए हैं और साथ में अभी ये चिकन जो है इसको तैयार करेंगे। इसके ऊपर ये मायनीज डाली आपने? सिग्नेचर मायनीज। और ये स्पाइसी बनाने के लिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक हो गया। और फिर ये इसके ऊपर प्लेट में डाल देंगे। जी जी। ये चिकन की क्वांटिटी कितनी होती है? कुछ हिसाब से होती है? तीन शोरमे के मुताबिक। तीन शोरमे के मुताबिक। जी जी। ओके, और ये एक शोरमे की प्राइस क्या है? 150। और इसके प्लेटर की प्राइस क्या? 300। जी, फिर तो ये अच्छा पड़ता है उससे। जी जी, अच्छा पड़ता है। ये साथ में मायनीज डालिए। अभी प्लेट तैयार हो रही है और साथ में ये स्पाइसी लवर्स के लिए स्पाइस डाल दिए और सैलेड। और ये प्लेट तैयार हो चुकी है? जी जी, ये तैयार। ये मुझे दे जरा, क्लोजअप ले लूँ। ये इस तरह से कुछ नज़र आ रही है। असल मौजूद है हबीबी के ऑनर मिस्टर फवाद भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये बर्गर तैयार करेंगे। एक बर्गर है हमारा डबल जिंगर टावर बर्गर। ठीक है, और एक जिंगर बर्गर है, उसमें डील होगी। तो ये अभी यहाँ पर दोनों बर्गर तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले डाल दिए इसके ऊपर मायनीज। ये मायनीज गार्लिक मायनीज है। जी, ये क्रीमी मायनीज है। क्रीमी मायनीज थी, वो डब्बे वाली होती है। और ये आपकी सिग्नेचर मायनीज है, ये हमारा अपना वाला जो है ना, जो आप खुद बनाते हैं। एक सिग्नेचर मायनीज होता है ना, गार्लिक मायो। उसके बाद ये हमारा एक सॉस है, कौन सॉस है? ये स्पाइसी सॉस है, लेकिन ये स्पाइसी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ये खुद बनाते हैं स्पेशल इसके लिए। और ये दिखने में ये वो वाला है। ठीक है, ये तो स्पाइस है ना, सिंपल स्पाइस है। ये सिंपल स्पाइस है ना, ये वो वाला है। ठीक हो गया, ये दोनों इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ना, इसके ऊपर लगाते हैं सलाद। इसके ऊपर फिर रखेंगे सैलेड। हां, सैलेड रखेंगे, सैलेड रखेंगे इसके ऊपर। ये दो बन के ऊपर रखेंगे बड़े वाले। ठीक हो गया, और फिर मैनी डालेंगे इसके ऊपर। अपना वाला जो है वो ये गार्लिक मायो था। ठीक हो गया, मानी फिर गार्लिक सॉस। ये गार्लिक सॉस हो गया, जिंगर रखेगा फिर बनाना खाना उसके बाद। हाँ, रख बनाना। अच्छा, यहाँ पर अभी ये इसके ऊपर जिंगर भी रख दिया गया है। और ये जिंगर जो है ना, ये बिल्कुल फ्रेश यहाँ से तैयार हुए, यहाँ से आपके सामने, और ये यहाँ पे आए बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब इसके ऊपर डालेंगे मायनीज। और इसके बाद जो इसकी लुक है ना, मुझे ये बर्गर की ये वाली लुक बहुत पसंद है। जिंगर रखने के बाद ऊपर इसके जब मायनीज डालते हैं ना, तो बस ये दोनों किस्म की मायनीज, गार्लिक मायो भी डाल दिए और वो दूसरी मायो भी डाल दी, दोनों मायनीज डाल दी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें वो डबल जिंगर भी है? इसलिए होगा। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया जिंगर रेडी। ये हमारा जो है सिंपल जिंगर बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी कुछ इस तरह से कुछ लुक्स है माशाल्लाह से। अच्छा, अभी इसके ऊपर सैलेड की बारिश की उन्होंने। और इसके ऊपर अभी आएगा ये वाला
क्योंकि इसका नाम है माइटी जिंगर, तो इसके लिए जिंगर भी उन्होंने ढूंढ के माइटी जिंगर लाया। ओ भाई इसको खाएगा कौन? ये बर्गर बना दिए लेकिन ये बनाया इनके लिए स्पेशल खान बाबा के लिए। इतना बड़ा मूस का ये तो ये मजेदार यार, काफी मजे का लग रहा है यार। अफ्तारी के फौरन बाद हम लोग आए और अच्छा ये बर्गर जो है ना माइटी बर्गर हमारा तैयार हो गया है। फाइनल लुक ये इसका फाइनल लुक है और काफी जूसी जूसी भी लग रहा है और काफी ये टेंडर मजे का लग रहा है। भूखा नंगा फरहान जो है तो ये रेडियो के बैठ चुके हैं सामने, इसके शोरमा पड़ा हुआ है और ये हमारा कैमरामैन। क्या भाई भूख लगी है? सलाद खा रहा हूँ। सलाद खा रहे? अच्छा ये जो है तो ये जिंगर डील है, सॉरी बर्गर डील है। इसमें इन्होंने रखा है ये एक बर्गर, साथ में ये एक विंग्स है, एक विंग है और ये साथ में कुछ फ्राइज है। और इसकी जो प्राइस है ना तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। बर्गर की जो प्राइस है वो 300 है और जो इसकी प्राइस है प्लेट की तो वो 350 है, तो काफ़ी रीजनेबल है। ये वाले देख रहे हैं ये है डबल जिंगर बर्गर, टावर बर्गर, और ये काफ़ी मना मैं कहता हूँ खाना बहुत मुश्किल है इसको। और इसकी जो प्राइस है ना तो वो भी काफ़ी रीजनेबल है। डबल जिंगर इसमें ऐड किया गया 500 सिर्फ इसकी प्राइस है। ये जो है ना ये आपको अगर KFC वाले जो विंग्स है ना उसका हम लोगों ने किया हुआ है बाइकॉट, तो बाइकॉट के बाद आप लोग सीधा पहुँचेंगे हबीबी, वो यहाँ पे इनकी विंग्स ट्राई करेंगे जो कि खाने में आपको मैं कहता हूँ कि KFC वाले विंग्स बुला देगा। और इसकी प्राइस मुझे पता नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर ऐड कर दूंगा कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। पर ये अच्छी खास बात ये है ना कि आप लोग के जैसे पता है कि बाइकॉट चल रहे हैं सारे आइटम्स का, तो यहाँ पर भाई साहब ने पाकिस्तानी ब्रांड है ना गौरमे कोला इसको प्रमोट किया, तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि काम है इसका। तो यहाँ पर अभी ये डबल जिंगर बर्गर और साथ में ये सिंपल जिंगर बर्गर दोनों तैयार हो चुकी है। और यार इसको तो यार बाइट लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है यार, देखो इसको पिछली काफ़ी ये लास्ट टाइम बनी ने ट्राई किया था, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये देखते हैं कुछ करते हैं टेस्ट के, पता नहीं है टेस्ट करने वाले इसको। रेडी रेडी ऑनेस्टली शेयर करें, तो पहले बाइट लेते हैं। यार सीन्स कुछ ऐसे हैं ना कि टेस्ट तो कर लिए, मैं कहता हूँ बहुत मजे का है। इसको रेटिंग 10 out of 10 भी नहीं हो सकती, 11 out of 10 जाएगी मेरी तरफ से। मैं कहता हूँ इधर भी जिंगर ट्राई किया है ना, एक दफ़ा ये वाला ट्राई कर लो इंशाल्लाह सारे भूल जाओ, बहुत ज़बरदस्त है यार। KFC वाली रिंग्स जो है तो उसका बाइकॉट चल रहा है, तो अभी ये हबीबी के रिंग्स ट्राई करते हैं, देखते हैं कि KFC को पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। और मैं ट्राई करने वाला हूँ इनका जो जिंगर शर्मा है वो ट्राई करने वाला हूँ, रिव्यू जो है वो आपको बताएंगे। ओ भाई साहब सॉसेज का ज्यादा ये स्पाइसी हो गया है, अब ट्राई करते हैं। बहुत स्पाइसी है यार। यार KFC वाले विंग्स का चल रहा है बाइकॉट, और अगर आपने हबीबी के KFC जैसे विंग्स खाने हैं पिशावर में रहते हुए ना, तो ये KFC हबीबी आ जाओ विंग्स ट्राई कर लो, KFC वाले विंग्स भूल जाओगे और बाइकॉट को भी अच्छे से कर पाओगे और ये खा के ट्राई कर लो, बहुत मजे ट्राई करते हैं इनका ये जो पराठा रोल है, तो देखते हैं कि मानी का क्या रिव्यू आता है। हाँ मानी आर यू रेडी वंस अगेन? ओ भाई क्या मोहब्बतें खाई गई है यहाँ पे, चल भाई रिव्यू भी देना है। मेरा बहुत अच्छा है भाई, जितने स्पाइसी है ना मेरे लेवल से बाहर है। मेरे लेवल से बाहर है मतलब स्पाइसी ज्यादा है, सही है। मतलब अगर जो बंदा स्पाइसेस कम कर लेगा उस हिसाब से तो फिर टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।